हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सबसे पहली बात तो 6 महीने तक पिलाती है। शुरुआत के 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों माँ का ही दूध ज़रूरी है ना, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ब्रेस्ट फीड मतलब माँ क्या कर रही है, बच्चे को अपना दूध पिला रही है। ठीक, पढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। सबसे मतलब जो हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं वो शुरुआती 6 महीने तो हमें पिलाना ही पिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद एडिशनल कुछ भी हम जैसे दाल का पानी, ठीक है, हल्का फुल्का जो भी न्यूट्रिशनल वाली चीज़ है वो हम बच्चे को दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीनिंग। आफ्टर सिक्स मंथ मतलब 6 महीने के बाद एडिशनल फूड इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड भी हम दे सकते हैं टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी। बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम बच्चे को 6 महीने के बाद हल्का फुल्का ऊपर का खाना जो है वो दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीनिंग। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू 2 ईयर। जो ब्रेस्ट फीडिंग है 2 साल तक आप करवा सकते हो, बीच बीच में उसको एडिशनल कुछ दे दो, ठीक है, और ब्रेस्ट फीड भी कराते रहो तो करा सकते हैं ब्रेस्ट फीड। ठीक, अब इसमें एक नोट करके है कि जो ह्यूमन मिल्क है उसमें 66 कैलोरी होती हैं, कितने, 100 ml मिल्क में। ठीक, और जो काओ का मिल्क है उसमें 67 कैलोरीज होती हैं। ठीक, अभी हम आगे डिफ्रेंस देखेंगे कि काओ मिल्क में और जो ह्यूमन मिल्क है मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी, है ना, एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से दूर रखती है, ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। और इससे जो ब्रेस्ट फीड माँ करा रही है, माँ को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एडवांटेज, ठीक है, मान लो अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बच्चे के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। सबसे पहले है न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो ब्रेस्ट फीड है, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। फुलफिल द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट, जो इन्फेंट है उसकी कैलोरी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जितनी कैलोरी उसको चाहिए उतना ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ईजीली डाइजेस्टेबल, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्टिव वैल्यू, मतलब प्रोटेक्टिव वैल्यू, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड IgA और IgM, मेनली कौन सा पाया जाता है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि माँ के मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ है एंड बायोफिडर्स फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न में इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक, एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने में, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल कैसे, इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है माँ और बच्चे के बीच में, इट्स प्रमोट इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड न्यू बॉर्न, माँ और बच्चे के बीच में एक अटैचमेंट हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं। नोट करके है लैक्टेशन, जो लैक्टेशन मतलब जो माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है, ठीक है, उनमें लैक्टेशन वुमेन स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्शन ऑन 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद 3 महीने बाद कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकती है, गर्भ निरोधक, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं गर्भ निरोधक, वो माँ क्या करती है, 3 महीने, डिलीवरी के 3 महीने बाद भी यूज़ कर सकती है, अगर माँ लैक्टेशन मतलब दूध पिला रही है तो। अगर माँ दूध नहीं पिला रही है, नॉन लैक्टेटिंग है, ठीक है तो वो कब स्टार्ट करेगी, 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, मतलब विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। तो जो दूध पिलाना मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बेनिफिट्स टू मदर, मतलब माँ के लिए क्या बेनिफिट्स है, बच्चे के लिए तो हमने देख लिया कि भाई उसमें न्यूट्रिशन लेवल पाया जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, बॉन्ड बनता है। ठीक, अब माँ के लिए क्या बेनिफिट्स है, प्रिवेंट पोस्टपार्टम
प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? PPH. ये क्या होता है? डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको क्या करती है? प्रिवेंट कर देती है. अगर माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तो PPH होने के चांस क्या है? बहुत कम हो जाते हैं, या उनको प्रिवेंट कर देती है. ठीक, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी है. अभी हमने देखा कि जो माँ दूध पिला रही थी वो कॉन्ट्रासेप्शन 3 महीने बाद यूज़ कर रही थी, और जो माँ दूध नहीं पिला रही थी वो विदिन 1 मंथ ही उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक, तो ये क्या है? एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है जिसमें कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं तो बहुत से लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कॉपर टी लगवाते हैं, ठीक है, मालाएं, ये जो ओरल पिल्स हैं वो खाते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं. तो ये क्या है? एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है. हेल्प इन इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस. इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस का मतलब है जो यूट्रस है वो उसी पोजिशन में आ जाता है. एक जो नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक नॉन प्रेग्नेंट वूमेन का जैसा यूट्रस होता है उसी फॉर्म में वो आ जाता है. उसमें क्या करता है? हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग. अगर मान लो कोई माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है, ठीक है, तो उसका जो यूट्रस है वो पहले की तरह ही हो जाता है. तीसरा नेक्स्ट है डिक्रीज चांसेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड ओवेरियन कैंसर. अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, अगर माँ कोई ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांस कम हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिससे कि किसको? माँ को, अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो. ठीक, अब करते हैं हम कंपोजिशन की बात. ब्रेस्ट मिल्क की क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ उसमें पाई जाती हैं? तो ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन कितना? 1.25 ग्राम. कितना? 1.2 ग्राम पाया जाता है. फैट कितना पाया जाता है? 3.8 ग्राम फैट पाया जाता है. और लैक्टोज 7 ग्राम पाया जाता है. ठीक है, उधर अगर हम डिफरेंस करें कि भाई काउ मिल्क में क्या क्या चीज़ है, तो प्रोटीन कितना है? 3.5 ग्राम पाया जाता है. फैट 3.5 ग्राम पाया जाता है. और लैक्टोज 4 ग्राम पाया जाता है, जबकि लैक्टोज इसमें कितना है? 7 ग्राम. ठीक है, तो कैसे भी, तो इससे हमने देखा कि जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो क्या है? ब्रेस्ट मिल्क ही ज़रूरी है और उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. शुरुआत में गाढ़ा पीला कलर का जो ब्रेस्ट वो मिल्क निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम. ठीक है, तो इस तरीके से ही 2 हफ्ते बाद कुछ और बोलते हैं. ठीक है, तो इसके क्या हैं? अलग अलग टाइप्स हैं. तो सबसे पहले है कोलोस्ट्रम, जिसको हम गाढ़ा पीला दूध बोलते हैं. ठीक है, कंटेन प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन इन एक्सेस अमाउंट. ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जो शुरुआत के 2 से 3 दिन ही निकलता है. ठीक है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जो शुरुआत के 2 से 3 दिन ही निकलता है, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स पाई जाती हैं ज़्यादा मात्रा में, जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं. ठीक, तो यही सारी हैं, इसमें प्रोटेक्टिव वैल्यू पाई जाती है. कोलेस्ट्रॉल क्या है? ज़रूरी होता है. ट्रांजिशनल मिल्क क्या है? सीक्रेट फॉर फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर बर्थ. बर्थ के शुरुआत के जो दो हफ्ते हैं उसमें कौन सा? ट्रांजिशनल मिल्क पाया जाता है, जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है. थर्ड है हमारा मैच्योर मिल्क, जो 2 हफ्तों के बाद सीक्रेट होता है. इसमें क्या पाया जाता है? बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारी चीज़ होती है उसमें. ठीक है, तो वो किस में आता है? मैच्योर मिल्क में. नेक्स्ट है फोन मिल्क और हिन मिल्क. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से भी. जो फोर मिल्क है, ठीक है, जो सबसे पहले निकलता है, मतलब फोर पहले और हिन बाद में, तो ये क्या करता है? थर्स्ट, बच्चे को जो प्यास लगी होती है उसकी नीड को ये पूरा करता है. इट फुलफिल्स द थर्स्ट नीड, कंटेन वाटर इन मोर अमाउंट. इसमें जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो ये क्या? प्यास बुझाने का काम करता है. सीक्रेट इनिशियली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. सबसे पहले जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो शुरुआत में यही दूध निकलता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं हिंड मिल्क. ये क्या करता है? हंगर नीड, बच्चे को जो भूख लग रही होती है उसको पूरा करने के लिए कौन सा होता है? हिंड मिल्क. ठीक है, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इन लार्ज अमाउंट. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पाए जाते हैं. इट सीक्रेट्स एट द एंड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. ये ब्रेस्ट फीडिंग के लास्ट में निकलता है. आपने देखा होगा पहले बच्चा शुरुआत में सक करता है, सक करते करते पहले उसको प्यास बुझेगी उसकी. ठीक है, क्यों? फोर मिल्क निकलेगा, फिर उसके बाद हिंड मिल्क निकलेगा,
जिससे कि उसकी भूख जो है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं पोजिशनिंग, कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो उस टाइम पे कौन कौन सी पोजिशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिटिंग पोजिशन या फिर स्लीपिंग पोजिशन, दोनों पोजिशन में माँ क्या है बच्चे को दूध पिला सकती है। मदर शुड बी मेंटली रिलैक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, माँ जो है वो मेंटली भी मतलब पूरी तरीके से रिलैक्स होनी चाहिए उस टाइम जब ब्रेस्ट फीड करा रही हो। ठीक है, पोजिशन तो देखें क्रेडल पोजिशन भी, इस पोजिशन में भी हम इस पोजिशन में भी माँ क्या दूध पिला सकती है, क्रॉस कैडल पोजिशन में भी माँ दूध पिला सकती है। ठीक है, ये क्या है पोजिशंस हैं, फुटबॉल में भी, फुटबॉल होल्ड में भी माँ क्या कर रही है दूध पिला सकती है, लेट बैक में भी मतलब लेट के भी दूध पिला सकती है, साइड लाइन से भी दूध पिला सकती है। ये क्या है पोजिशन है जिसमें कि माँ कंफर्टेबल हो और रिलैक्स हो मेंटली, उस पोजिशन में माँ दूध पिला सकती है, सिटिंग पोजिशन हो चाहे वो स्लीपिंग पोजिशन हो। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है उन्हें नहीं पता कि भाई कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, है ना, किस पोजिशन में पिलाना चाहिए, तो वही उनके लिए ही है भाई। ठीक है, हम सिटिंग पोजिशन या स्लीपिंग पोजिशन में भी दूध पिला सकते हैं, पर माँ को मेंटली रिलैक्स होना चाहिए। कितने टाइम के लिए हमें दूध पिलाना चाहिए, 20 मिनट कम से कम पिलाना चाहिए। ठीक है, ईच ब्रेस्ट फीडिंग, अगर हम एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो 20 मिनट हमें कम से कम ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। 10-10 मिनट्स फॉर बोथ ब्रेस्ट, ऐसा नहीं कि 20 मिनट एक ही ब्रेस्ट से दूध पिला रहे, नहीं, 10 मिनट्स एक ब्रेस्ट से, 10 मिनट्स दूसरे ब्रेस्ट से। ठीक है, टाइम इंटरवल 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में बच्चे को हमें ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग डू द बर्पिंग, मतलब डकार, टू प्रिवेंट रिगर्गिटेशन। ऐसा नहीं है हमने दूध पिलाया और बच्चे को सीधा लिटाए रखा और खुद भी हम लेटे हुए, नहीं, बच्चा जब दूध पी लेता है उसके बाद उसको बर्पिंग, हमें कंधे पे रख के उसकी थपथपी लगानी है जिससे कि जो दूध है वो उसका लौट के बाहर की तरफ ना आए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब किन किन कंडीशंस में जो माँ है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है, किन किन कंडीशन में, या तो माँ की कोई रेडियोथेरेपी चल रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, अर्कट एल्कोलॉइड कोई मेडिसिन चल रही हो, ठीक है, उसमें नहीं, एंटी मेटाबोलाइट हो या लिथियम, ये सब कंडीशंस में माँ क्या है ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज हम इस वीडियो में हमने यही देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और माँ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग किस पोजीशन में करानी चाहिए, कितने टाइम के लिए करानी चाहिए और कौन कौन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकता। तो आज हमने इस वीडियो में सारी चीज़ जानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।